सर सर हम लेके आए थे कि हमारे शौचालय आए थे तो उनके पेमेंट नहीं डाल रहे थे, और ग्राम पंचायत यहाँ जीरी में अनाज जहाँ बढ़ रहा है वहाँ पे अनाज भी मतलब मिल नहीं रहा था, किसी के आधार कार्ड अपडेट नहीं हुए थे उसके कारण। तो हमारे सरपंच साहब आए और उन्होंने ये अनाज का भी निराकरण करवाया, और ये जो शौचालय जो बने हैं उनके भी पैसे का 2-3 दिन के अंदर निराकरण हो जाएगा और पेमेंट मिल जाएगा। तो हम सरपंच साहब का खूब खूब धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी ये बात सुनी। कितने दिनों की समस्या थी आपकी? ये तो सर समझ लो 15-20 दिन से चल रहा था, एक महीना होने को आया था मगर वो सुन नहीं रहा था। तो हम सरपंच साहब के पास गए और उनसे निवेदन करा कि सरपंच साहब आप हमारी ये समस्या हल कीजिए। तो सरपंच साहब आए, उनका समय निकाल के कीमती। और क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हुकुम चारण है। 15 से 16 लोगों के है तो पेमेंट की दिक्कत थी उनकी, तो मैंने अधिकारी से बात करी, अधिकारी ने हमको बोला है कि 2 या 4 रोज में पेमेंट हो जाएगा। फिर इन लोगों को मैंने समझाइश दी है कि अधिकारी से मैंने बात करी है, उसका निराकरण 2-4 रोज में हो जाएगा। एक दूसरे भी है कुछ बता रहे अनाज को लेकर? जी सर, वो अनाज को लेकर जैसे समस्या आ रही थी, इन लोगों ने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाए थे, तो मैं वहाँ जाके कंट्रोल में उन अधिकारी से मिला, फिर उनके जैसे मिल के उनसे मैंने बोला तो फिर उन्होंने उसका निराकरण करा कि ठीक है भाई आधार कार्ड 15 या 16 तारीख के बाद हो जाएगा। फिर अभी उन्होंने समग्र आईडी के आधार पर अनाज देना चालू करा। आज आपके प्रयास से अनाज मिलना चालू हो गया? जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजू।